अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कि हम करोड़पति कैसे बने। पाकिस्तान में 60 मिलियन लोग इंटरनेट चलाते हैं और फॉर्मूला यह है कि 60 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, स्मार्टफोन है। हम 250 मिलियन की बात नहीं करते, अभी हम 60 मिलियन की बात करते हैं। यूट्यूब चलाते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, उसमें तुम्हारी बहन भी शामिल है, तुम भी शामिल है, तुम्हारा भाई भी शामिल है, आप भी शामिल हैं, आपकी बहन शामिल है, आपकी बेगम स्मार्टफोन नहीं चलाते, अब चलाते जी। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि 60 मिलियन लोग यानी 6 करोड़ लोग, अगर हम महीने के करोड़ या साल के करोड़ बनाना शुरू करें तो क्या उससे पाकिस्तान वही मुल्क रहेगा या अमीर मुल्क जाएगा? अमीर हो जाएगा, यानी जो अमेरिका में आमदनी है उसके बराबर पहुंच जाएंगे जी। $75,000 साल के हम कमाएंगे 1 करोड़ तक साल के, महीने के $3,000 महीने के या ज़्यादा हो जाएंगे, 8 लाख रुपये महीना, $5,000 महीना का। अब इस वक्त YouTube पर सारा इलम पड़ा हुआ है कि $5,000 महीना कैसे कमाते। सवाल मेरा आपसे ये कि ना आप $5,000 कमाते ना आप $500 कमाते, क्या वजह है कि हमारे जो 60 मिलियन लोग हैं वो YouTube तो देख रहे हैं, आपके ख्याल में देख रहे हैं 60 मिलियन सारे जो स्मार्टफोन चलाते हैं वो यूट्यूब देखते हैं? जो स्मार्टफोन वो देखता है, यूट्यूब सस्ता भी बहुत हो गया। मैंने सुना है कि 100 रुपये टॉप अप करो तो 50 GB रात के लिए इंटरनेट फ्री मिलता है, 5 GB 50 GB लॉन्ग में कोई ऑफर लगी हुई थी, यू फोन ऑफर लगी हुई थी, बहुत महंगा नहीं अफोर्डेबल। तो क्या वजह है कि वो हमारे यहाँ हमें मतलब आग लगी हुई नजर नहीं आती? कोरोना वायरस के लिए स्कूल बंद हो गए, पूरा कराची के 16 दिन तक स्कूल बंद है, डेंगू के लिए परेशान हो जाती है कौन, लेकिन 1 करोड़ रुपए साल के लिए कभी मैंने गवर्नमेंट को बोलते नहीं सुना, प्राइम मिनिस्टर को बोलते नहीं सुना। कल प्रेसिडेंट का नाम आ गया जी कोरोना वायरस से ऐसे बचे, लेकिन प्रेसिडेंट कभी ये ऐलान नहीं करता कि भाई तुम लोग करोड़पति क्यों नहीं बन रहे हो? अगर तुम करोड़पति बनोगे तो 5% हमें भी टैक्स दोगे, हम भी अमीर हो जाएंगे, बिग मम्मी नहीं मैंने बताएंगे, IMF के जाने जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के सामने जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा कि फिर अमीर हो जाओ। बिग मम्मी मैंने पसंद कर रही है, कोरोना से मरना पसंद मरना नहीं चाहते, क्या वजह आप मुझे समझा रहे हो? मुझे नहीं समझ आया, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप दोनों $500 से कम कमाते हैं, जबकि आप ही उन्हीं 60 मिलियन में शामिल हैं, क्योंकि आप भी रोजाना आधा घंटा एक घंटा यूट्यूब पे देख सकते हैं कि मैं 1 करोड़ रुपये साल का कैसे कमा सकता हूँ। और यूट्यूब पे आंसर आपने बताया कि है मौजूद है, लेकिन आपको कुछ चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को आपने कहा ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं बस से उतर गए, रिक्शे में बैठ गए, आगे चले गए, क्या वजन है? सर बहुत शुक्रिया आपका। पहली वजह तो ये है कि जैसे कि वो हमारे यहाँ मशहूर है उर्दू के अंदर चराग का लेंगे, हर एक शख्स के पास चराग है, यूट्यूब है, स्मार्टफोन है, लेकिन वो अंधेरा है। अंधेरा इसलिए है कि उसको उस चीज़ की अभी मुकम्मल तौर पर उसको आगाही मौजूद नहीं है, वो उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब तो चूँकि आप जैसे आपकी जो काविशें हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि शख्स के पास जा रहे हैं, तो हमने भी आप ही सुना, और अगर पहले सुना होता तो शायद कुछ जल्दी कुछ प्रोसेस कोई अमल हो जाता और हम शायद उस पर एक अच्छी तौर पर अमल कर पाते और कमाना शुरू कर लेते। लेकिन देर आया दुरुस्त आया, इंशाल्लाह इस पर काम होगा। दूसरी बात सर ये है कि अभी तक जो मैंने इश्तहार में कभी नहीं देखा इंशाल्लाह हमें कोरोना वायरस नहीं लगेगा जी, हम कहते हैं नहीं आप हाथ धो लें, आप मास्क पहन लें, आप छुट्टी कर लें, इंशाल्लाह कोरोना वायरस नहीं लगेगा, तो इंशाल्लाह तो नहीं होगा। तो सर वो जो आपकी ही बात है कि सबसे पहले तो अभी हमने इरादा ही नहीं किया, तो जो बिजनेस जैसे आप कहते हैं कि बगैर पैसों के कारोबार शुरू करें, तो बगैर पैसों के कारोबार से जो उसकी बुनियाद है वही है कि आपने किसी भी काम करने के लिए पहले इरादा करना है, अज़्म करना है आपका कि भाई मैंने जाना कहाँ है, ये तो तय कर लें पहले। हमने ये तय किया है कि भाई यूट्यूब जो पैसे कमाने के लिए, जो स्किल्स सीखने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर कुछ बनने के लिए, उसको हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे एक लाहौर जाने की गाड़ी है, हम उसमें इसलिए सवार हो जाएं कि वो हमें जो है वो इस्लामाबाद ले जाए या जो है वो हमें किसी ईरान तुरान ले जाए, तो हमने उस चीज़ का इरादा ही नहीं किया कि हम इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें।
एजुकेशन के लिए करें, लर्निंग के लिए करें, अर्निंग के लिए करें। तो जब इंसान अपनी सिमत का तयन कर लेता है, किसी चीज़ का इरादा कर लेता है कि मैंने इससे कमाना है, मैंने कुछ अपनी ज़ात के अंदर कुछ स्किल्स को सीखना है, तब वो कोई काम कर पाता है। मैं तो यही समझूंगा कि हमने तो इस चीज़ के लिए यूज़ ही नहीं करना है यूट्यूब के। तो आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, क्यों भेजते हैं स्कूल कॉलेज? डिग्री लेके खड़े होते हैं और ख्वाहिश ये होती है कि हर एक अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें ख्वाहिश माँ बाप की होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ा लिखा बने, वकील बने, उसके बाद पायलट बने। अब जब बन गया तो उसके पास डिग्री आ गई, अब वो एक मुअज्जज शख्स कहलाया जाने लगा, उसको रिश्ता अच्छा मिलेगा खानदान में, जो ये जो नाक है ये सही है। और नौकरी भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। कितने की नौकरी? नौकरी उसको चाहिए होती है बस इतनी नौकरी, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए घर वाले देन को। कितने की होती है एक अच्छी नौकरी, जिसको जो हमारे यहाँ जो समझ आता है कि जो एक मल्टीनेशनल का कंपनी में मुलाजिम हो गया। सारे तो मल्टीनेशनल नहीं लग सकते ना, लीवर ब्रदर ने 45 आदमी लिए तो गाड़ी हो उसके पास, 2 लाख की इसकी सैलरी हो, गाड़ी हो उसके पास 2 लाख रुपए, 2 लाख। तो अगर वो डॉक्टर बना तो उसका मतलब 10 साल मैट्रिक, 2 साल कॉलेज, 4 साल यूनिवर्सिटी, 2 साल मजीद, कितने साल हो गए? 18 साल। 18 साल लगा के वो डॉक्टर बना कि 2 लाख रुपए कमा सके या मास्टर किया उसके, फिर भी 2 लाख कमाए। तो आपने कहा कि आपने जब खोला और लिखा यूट्यूब पे कि 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं साल के, तो वो मुश्किल काम था। क्या 18 साल में पहुंच सकते हैं या 3 साल में पहुंच सकते हैं या 4 साल अगर रोज देखते रहें 2 घंटे तो पहुंच सकते हैं? कितने साल में पहुंचेंगे अगर आप 1 करोड़ रुपये कमाना चाहें और रोज़ाना स्कूल वाली मेहनत करें? सुबह 8 बजे से बच्चा 2 बजे तक रोज़ाना मेहनत करता है, कितने घंटे हो गए? 4-6 घंटे रोज़ वो सीखता है। स्कूल इसलिए जाता है कि बड़े होके बड़ा आदमी बनेगा। बड़ा आदमी क्या है कि डेफिनेशन हमने बताई, 2 लाख रुपये महीना कमाने वाला बड़ा आदमी। 18 साल 6 घंटे रोज पढ़ने के बाद वो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्या 18 साल या 4 साल रोजाना 2 घंटे या 4 घंटे अगर आप यूट्यूब पे बैठ जाएं कि 1 करोड़ रुपए महीना साल का कैसे कमाना है, तो क्या आप 4 साल में सीख सकते? 2 साल में सीख सकते, 2 साल में सीख सकते। तो क्यों नहीं सीख रहे? आपका बच्चा यूट्यूब पे सीख रहा है? मेरा बच्चा यूट्यूब से बात कर रहा है, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। जो ये आपकी ख्वाहिश है कि आप साल के 1 करोड़ रुपए कमाएं, ये आपकी बीवी की ख्वाहिश है? उनकी भी है ख्वाहिश है, लेकिन वो इस पर टाइम क्यों नहीं लगा रही? वो इसलिए नहीं लगा रही, इसको यकीन नहीं है इस पर। वो कहती ये तो अच्छा हो जाए। अच्छा जन्नत पे यकीन कैसे है? मैंने वो भी नहीं देखी, लेकिन वो तो बना बस बन गए ना कि कुछ मतलब इस पे ये होता है कि हमें उनके सामने पहले सवाल सुबह से आ रहा है कि हम बगैर देखी भी चीज को पर यकीन करके अल्लाह के ऊपर, कयामत वाले दिन के ऊपर, जन्नत के ऊपर, जिसको किसी ने नहीं देखा, बातें सुनते हुए आए बचपन से, तो उस पर यकीन है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को मैं बात बोल रहा हूँ बुरा भी लग गया तो नाराज भी हो जाएगा जिसको देखा नहीं है, जबकि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं जो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं साल का, आराम से कमा रहे हैं, आराम से कमा रहे हैं, तो उनको उसका यकीन क्यों नहीं आ रहा? फिर ये भी सुन रहे, तो वजह ये है कि तो देखी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखी, सिर्फ सुनी सुनाई जी। और दूसरी शायद दूसरी आप देख सकते हैं कि ये आदमी है, इसने कमाया, अब्दुल वली ने कमाया पाकिस्तान के अंदर, ले गए नाजा ने कमाया पाकिस्तान में, ले गए और हजारों 80,000 तो लोग तो शायद सनी अली के आज ग्रुप में देख रहा था, शाम में सिखा दिया हजारों, वो भी तो कमा रहे हैं। फिर एक और लड़का है, मैं उसका वीडियो बना कर लाया था जो डेफ विलेज में रहता है, उसने पूरा कोठी खड़ी कर ली फ्रीलांसिंग से, तो वो भी परेशान कर रहा है, मेजोरिटी परेशान कर रही है, क्यों नहीं सीख रहा? मुझे मैं समझना चाह रहा हूँ, किसी को मैं कॉर्नर नहीं कर रहा, समझाया मुझे, क्योंकि आप भी लोगों से बहुत मिलते हैं जी। इसमें ये होता है कि जैसे पहले उनको जवाब दे दो जी जी, ये वाले सवाल का जवाब तो इस सवाल का जवाब सर यही है कि जो लोगों के सामने एक मेरा जो चलता हुआ जो सिलसिला है वो यही है कि नौकरियों का सिलसिला हमारे यहाँ चलता। आपकी बीवी
क्या नाखुश होगी कि उसको महीने के 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए कहाँ से मिले घर बैठे? डेफिनेटली वो खुश होगी, फिर क्यों नहीं सीख रही हो? वो उसको पता है ये बात, उसको पता है, उसको पता है 8 लाख महीना कमा सकती हो, यानी अगले 2 साल तक वो रोजाना 2 घंटे यूट्यूब पे अगर बैठ जाए आपके हिसाब से, तो अगले 2 साल के बाद वो 8 लाख रुपये महीना कमा सकती है, वो उसको ये बात मालूम है? नहीं, इसको ये नहीं पता। ये नहीं मालूम तो कैसे बताया? तुम्हें बात मालूम है कि तुम्हारी बहन रोजाना 4 घंटे यूट्यूब पे अगर बैठ के ये सीखना शुरू कर दे कि पैसे कैसे कमाने, जी और अगले 2-3 साल निकाल दे जी तो महीने का 8 लाख रुपए कमाएगी, उसको ये बात पता है? ये बात पता है, फिर पता है, फिर भी नहीं कर रही। भी नहीं करे। वजह ये होता है कि हम सबका, मेरा भी यही है कि हमारे अंदर जो है सब्र नहीं है। हम चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर आप, स्कूल कॉलेज क्यों गए थे? हाँ, स्कूल कॉलेज क्यों गए? स्कूल कॉलेज इसलिए गए थे कि हमारे माँ बाप जो है हमें, आप देखते होंगे अक्सर बच्चे जो है सुबह स्कूल अक्सर जाते, बच्चों की बात ही होगी तुम्हारी, हमारे उनकी हम बात। ये होता है कि ज़बरदस्ती जा रहे होते हैं माँ बाप के डर से, टीचर के डर से, जो है सबसे ज़्यादा तो हमारे ऊपर जोर माँ बाप के जो है स्कूल सो तो स्कूल होता यकीन है। किसको देना है, माँ बाप को? दे तुम्हें एक ये 8 8 लाख रुपए कमा सकते, तो एक काम करना है, माँ बाप को अब्दुल मलिक की वीडियो दिखाओ, नाटक दिखाओ, दिखाओ उनको, यूट्यूब दिखा दो। अब वीडियो दिखा तो दें मिसाल के, वीडियो अगर बहुत सारे वो देखते भी रहते हैं, होता ये है कि उनको ये बिलीव नहीं है कि जो है ये हमारा जो बच्चा है वो इतने दिन में ये कमा सकता है। होता ये है कि वो अगर फॉर एग्जांपल जो है एक बच्चा है, अब वही बच्चा उसने जो है देख लिया यूट्यूब पे या कहीं पे भी उसने वीडियो देख लिया कि 8 करोड़ रुपये या 1 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये कमा रहा है, तो अब उसके माँ बाप के पेरेंट्स क्या करेंगे? वो लैपटॉप ला के दे देंगे, उसके टूल्स ला के दे देंगे या उसको कोर्स करवा देंगे। कोर्स करवाने के बाद अब वो बच्चे को एक्सपेक्ट करेंगे उस बच्चे से कि जो है ना वो 1 करोड़ रुपये 1 लाख रुपये उसको महीना आना चाहिए। अब वो होता ये है कि एक महीना 2 महीना 3 महीना वो बच्चा करता रहता है, अब करने पे क्या होता है घर वालों का एक फोर्स हो जाएगा, अभी तक नहीं करवाया तो मैं कोर्स भी करवा दिया, तो मैं ये भी दे दिए, एक सबर नहीं होता, वो जो है वो देखते नहीं है कि ये हो क्या, मतलब आहिस्ता ही आहिस्ता ही होगा, फ़ौरन से तो एक चीज़ होगी नहीं। कोई ऐसा मतलब बच्चे के ऐसे भी होते हैं कि वो फ़ौरन कर जाते हैं, कोई ऐसा होता है कि वो फ़ौरन नहीं कर जाते। सबसे ज़्यादा जो मसला आता है ये होता है कि हमारे अंदर हम जो है ना वो सबर नहीं करते, हम देखते नहीं है कि वो क्या रहा है, किस तरीके से होगा, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सबर जो है हमारे अंदर नहीं है, कि हम चाहते हैं कि फ़ौरन से, यानी कि हम गए इंटरनेट पे और फ़ौरन से हमने जो है ना 2 दिन में 1 हफ्ते में 1 महीने में सीख लिया और एक फ़ौरन से जो है ना 1 लाख रुपये महीना कमाना शुरू कर दिए, तो इस तरह से नहीं होगा। ये हमारे अंदर एक ये है कि वो चाहते हैं कि फ़ौरन फ़ौरन हो जाए हर चीज़। और जैसे कि आपने कहा कि स्कूल, स्कूल तो हम 16 साल हम इंतज़ार करते हैं, मतलब 16 साल तक जो है ना मशीन की तरह जो ना भेजा जाता है, हम वही रट्टा मारते हैं और आ जाते हैं, और जो है और एक ही किताब जो है ना हम सालों साल से देखते हैं, मतलब कोई चेंज नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी में ये है कि हम जो है ना हर आए दिन हम सारी चीज़ों में चेंजेस होती है, हमारी अर्निंग में जैसा मतलब, यानी कि हर साल गुजरता जाता है हमारी जो करेंसी उसकी वैल्यू गिरती जाती चीज़ें, और जो है बड़ी बड़ी बातें आप ना वापस आते हैं। जी हम आपके घर वालों की दो इंसान बैठे जी कैसे यकीन दिलाएं कि अगर वो आपकी बहन आपका भाई रोजाना 4 घंटे बैठ के कंटेंट देखे, जिस तरह वो स्कूल जा रहा है, जिस तरह वो कॉलेज जाने को भेजा जाता है, वो क्या देखे कि जी इंटरनेट पे कैसे कमाया जाता है, एक की नहीं बार बार देखे, दूसरों की देखे, दूसरे की देखे, चौथा देखे, 4 घंटे रोज कुछ भी ना करे, सिर्फ देखता रहिए कि कैसे करते हैं। जब वो सुनता रहेगा तो कुछ ना कुछ तो उसको यकीन आएगा, फिर वो स्किल भी सीखेगा, काम भी करेगा, तो 2 साल के बाद वो कुछ प्रैक्टिस करेगा। तो कैसे करेंगे 4 साल के बाद ही आप लोग पहुंच जाए 8 लाख रुपये महीने पर? 8 लाख रुपये महीना कोई रकम छोटी तो नहीं है। प्रैक्टिस कैसे यकीन आपके घर वालों क्या करें? पेश जो है ना वो ऐसे लोगों को उनके सामने पेश भी करना चाहिए कि जो ने ऐसा काम किया और उनको उससे यकीन आते हो? मेरा नहीं ख्याल कि इतना जल्दी यकीन आएगा, लेकिन ज़रूर कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता मुझे इंस्पायर करें। जब आपके सामने किसी की इंस्पायरेशन होती है तो आप जल्दी काम करते हो, और अगर नहीं होती तो फिर आप यही सोचते रहते हो कि भाई मैं कैसे करूँगा। अच्छा मैं मिसाल के तौर पर भी फिर वीडियो की एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम अब्दुल वली की उसको वीडियो दिखाएं तो यकीन नहीं आएगा, अगर अब्दुल वली को
निकालें तो एक यहाँ उन लोगों के बारे में बताएं कि जिन्होंने ये काम किया। अब्दुल वली के एग्जाम्पल है ना, तो अब्दुल वली के अगर एग्जाम्पल है, मैं अपनी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा कि मेरा काम कॉम्प्लिकेटेड है, कमा तो मैं भी लेता हूँ लेकिन मेरा काम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल फ्रीलांसिंग का नहीं है, तो इसलिए मैं उसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो फ्रीलांसिंग की दुनिया में काम करता है। सो क्या कैसे इंस्पायर करें, कोई टेक्निक ढूंढो ना या कोई जुगाड़ ढूंढते हैं कि हमारे जो मैसेज हैं 50 मिलियन 60 मिलियन लोग अगर करोड़पति बन जाए तो गुर्बत ख़त्म, पाकिस्तान से टैक्स भी आएगा, अगर 10% लोग गवर्नमेंट को दे दें तो भाई तो IMF भी कटे हैं, वर्ल्ड बैंक के अचूले हैं, ज़रूरत ही नहीं है हमारे पे पैसा होगा क्योंकि हल नहीं है। और आज मैं सुन रहा था एक वीडियो सनी की, तो कह रहे थे हमारे हमारा तो पाकिस्तान का हर आदमी भी अगर वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए कि ऑनलाइन काम करने लगे तो दुनिया का 97% तो बाहर है, सबको असिस्टेंट चाहिए, सबको फ्रीलांसर चाहिए, अमेरिका में जो रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहा है, इंग्लैंड में जो रह रहा है, इकॉनमी तो ग्रो होनी है। हम अगर पूरे 200 मिलियन लोग भी काम करने शुरू हो जाएं तो भी कम है, बात उसकी सही थी। अब हम कैसे इसको ट्रेंड को ट्रेंडी करें, कैसे इसको सेक्सी करें, कैसे इसको अट्रैक्टिव करें कि बच्चे तो स्कूल कॉलेज 12 साल के बाद तो यहाँ बैठ 4 घंटे रोज़ या 2 घंटे ट्यूशन पे भेजते हैं, मदरसे भेजते हैं, पता नहीं क्या क्या और कहाँ क्या 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 चीज़ें के लिए भेजते हैं कि वो उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, तो स्कूल के बाद वो 2 घंटे रोज़ बैठ के क्यों नहीं देखता, एक बजे घर आ जाता है, 2 घंटे बैठ के बेटा तू ऑनलाइन देख कैसे पैसे कमाते हैं, अम्मा भी बैठ के देखे, आपकी बीवी भी देखे, आपकी बहन भी देखे, आपकी अम्मी भी देखे, जब सब देखेंगे तब यकीन आएगा। उसके लिए क्या ड्रामा बनाएं, क्या करें, अब्दुल वली की ज़िंदगी में ड्रामा बना देते हैं, चलो एक काम चाहिए अच्छा मुझे जहन में आ गया, बातें कर लेते हैं, मैं बातें इसीलिए करता हूँ कि मेरे जहन में आइडिया नहीं चलता, अब्दुल वली की ज़िंदगी पर नाटला की ज़िंदगी पर ड्रामा बना देते हैं, दो ये हो गए, 2 एपिसोड ये हो गए। और एक मेरे जहन में एक आइडिया है, ये आया है कि मतलब हमारे जो हम स्कूल सिस्टम में इसी के अंदर जो है हम ये एक सब्जेक्ट ऐड करवा दें कि जो ना हम जो है तो भाई हम तो भी अटेंडेंस ही नहीं कर पाए, हमारे पर पता नहीं क्या क्या अजीब गरीब चीज़ें हमारे मुल्क में फंसी हुई हैं, उसके लिए तो शायद मैंने आपके पास कॉन्टैक्ट किया हम बोले नहीं, यही बिल्कुल कहानी वो बात कंप्लीट हो गई, यही है कि हम ऐसा कुछ अब आप एक सामने बोल के मिनिस्टर साहब को हाथ नीचे करें, हाँ जी कमर नीचे करें, अब आप मशवरा दें मिनिस्टर साहब, जैसे साहब को मैं ये वीडियो बता दूँ मेरा मशवरा नहीं लगे सर, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आरिफ है, मैं बहुत साल से यहाँ लवाल के साथ काम करता हूँ, एक वीडियो एडिटर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आरिफ है और मैं हाना लवाला के साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ उनके साथ एज अ वीडियो एडिटर, और मैंने इसी काम से रिलेटेड मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी हैं जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और जो स्कूल हैं या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर होता ये है कि बच्चे जो है तालीम हासिल कर लेते हैं, तालीम हासिल करने के बाद उनके पास डिग्री होती है और उसके बाद होता ये है कि वो डिग्री लेके घूमते रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जॉब नौकरियाँ ढूंढते हैं। मेरा एक ये मशवरा था, सजेशन थी ये थी कि अगर हम जो है जितने भी हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्कूल में अगर ऐसा हो जाए हम उसमें एक सब्जेक्ट ऐड करवा दें जिसमें हम उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किस तरीके से वो जो है अपने काम को जो हमें जो पढ़ाया जाता है, जो हमारी स्किल को पढ़ाया जाता है उस चीज़ को हम जो है आगे जाके जो है हम उसी से जो है हम काम अपनी अर्निंग कर सकते हैं और जो है उसी के ज़रिए हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन के ज़रिए। तो अगर यही सब्जेक्ट ऑनलाइन के एक सब्जेक्ट हमारा जो है इसमें ऐड कर दिया जाए तो शायद हमारे मुल्क की जो है वो जो गुर्बत है वो तकरीबन ख़त्म हो सकती है। ये एक मेरा छोटा सा मैसेज था, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मेरी शक्ल सही आ रही है, उसको कट जाएगी निकल आएगी उस वाले में तो है सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रिहान अल्लाह वाला है, मेरे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट और सजेशन थी वो ये कि आप इस कैमरे को ना हिलाइए, मेरे पास रिक्वेस्ट और सजेशन ये थी कि आप हमारे मुल्क में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसका नाम है digiskills.pk, जिसके अंदर उर्दू के अंदर बेहतरीन फ्रीलांसिंग का कोर्स बना हुआ है, उसके अलावा udemy.com पे मेरा फ्रीलांसिंग का कोर्स बना हुआ है, तो कोई भी फ्रीलांसिंग करना चाहे वहाँ से जाके फ्री में सीख सकता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि हम
मैट्रिक के सेट की डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेट के साथ साथ लाजम कर दें कि उसने digiskill.pk का कोर्स या यूडेमी पे मेरा कोर्स या किसी और का कोर्स जो आपको सही लगे वो पास किया हो। इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इंटरनेट मौजूद है, कंप्यूटर्स मौजूद हैं, सर्विसेज मौजूद हैं, टीचर भी मौजूद है, डिग्री भी वहीं से होती छपती है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने ये कहना है कि ये कर दो तो ये हो जाएगा। तो जितने लोग भी मैट्रिक करेंगे आज के बाद से अगले साल से वो सब के सब जाके ऑनलाइन जाके एक बेसिक फ्रीलांसिंग का जो बेसिक कोर्स है जिससे उनको ओरिएंटेशन मिल रही है, जिस तरह से हम उनको DW बेसिक सिखा रहे हैं जिसका कोई काम नहीं होता दुनिया में, उसी तरीके से वो फ्रीलांसिंग की बेसिक कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, एक छोटी सजेशन थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रेहान लावाला है। एक मेरे पास छोटी सजेशन थी, वो शाहिद जोया की तरफ से है। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बच्चा जब मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेने जाए, मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है उसके लिए, तो उसके साथ साथ उससे रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि वो अपना यूट्यूब का चैनल बताए कि उसका क्या है, और उसमें जितने सब्जेक्ट उसने आज तक पढ़े हैं पिछले 8वीं में और 10वीं में उसके बारे में 5 से 10 मिनट बताए एक एक सब्जेक्ट के बारे में कि उसने क्या सीखा है। अब उसका जो भी आंसर हो डजंट मैटर, वो पास हो गया इसलिए कि उसके अंदर खुद एतमादी आ गई, बोलने की सलाहियत आ गई, इंटरव्यू देने से पहले उसका इंटरव्यू हो गया, लोग 5 मिनट से लेके 1 घंटा उसकी बात सुन सकेंगे, वो पब्लिशर बन गया और उसके अंदर जो खौफ था यूट्यूबर बनने का वो सब खौफ निकल गया। यूट्यूब पे जाके वो सीख सकता है कि कैसे करते हैं, एक मोबाइल फ़ोन मोहल्ले का या स्कूल के जो कंप्यूटर है उस पर बैठ के वो यूट्यूब पर चैनल बना के वीडियो बना के लगा सकता है। उस इस छोटे से एक काम की वजह से पाकिस्तान में लाखों यूट्यूबर पैदा हो जाएंगे और लाखों लोग अपने खौफ को कॉन्कर कर लेंगे और जो भी वो काम दुनिया में कर सकेंगे उनकी जो खुद एतमादी की कमी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से खुद पूछे वाला जो काम था वो यूट्यूब के ज़रिए हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। ये वीडियो मुझे क्लिप बना के दे देना, हम मिनिस्टरों को भेज देंगे पाकिस्तान के एजुकेशन। तो क्या करें सबको करोड़पति बनाने के लिए, और जो कोशिशें हो रही हैं वो तो बड़ी बेहतर हैं, जो कोशिशें हो रही हैं इसमें मजीद बेसब्रपन है ना, लेकिन कि आज नज़र आ रहा है, आज नज़र आ रहा है मुझको, मुझे तो यकीन है, आपको यकीन नहीं है, मुझे पता नहीं आपको क्यों यकीन नहीं है। आपके सामने 10 साल में हमारी कंपनी ने ग्रोथ की है। जो पाशा का सफ़र चेयरमैन था लास्ट, वो फ्रीलांसर से शुरू हुआ था, घर में फ्रीलांसर शुरू करी, आखिर में चेयरमैन बन गया। उसके बाद 250 आदमी काम करते हैं, हमारे दोस्त से 10 गुना बड़ा उसका दोस्त है, बेहतरीन काम करता है, पिछले 6 साल फ्रीलांसिंग करता था। तो ये तो मुमकिन आज है, बहुत सारे रोल मॉडल भी आ चुके हैं पिछले 20 साल। मैं फ्रीलांसिंग 1997 से प्रीच कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा। उस वक्त एफिलिएट मार्केटिंग होती थी, मैं उस वक्त से प्रीच कर रहा हूँ। ये यही है कि 5 साल में शुरू हुआ है ये, तो अब इसने तोड़ पकड़ना शुरू किया है फाइनली। अब गवर्नमेंट की बात कर रही है, गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है, बहुत सारे लोग आ गए, 23 साल हो गए करते। और एक दफ़ा मैंने फारूक से पूछा, जो फारूक हमीद से, कि भाई क्या करूँ लोगों को रागब करने के लिए, मर्सिडीज़ खरीदी। अब मर्सिडीज़ खरीदेंगे ना तो लोग सवाल करेंगे इसका अब तक पैसा कैसा है, तो जब वो सवाल करेंगे इसका पैसा कैसा है तो लोग बताएंगे कि ये फ्रीलांसिंग करता है, ऑनलाइन काम करता है, सर्विस करता है और भी काम करता है। अच्छा आइडिया। तो हम दिखावे पे चलते हैं इसका। सही कहते हैं, जैसे मिसाली तौर पर हमारे दोस्तों में से अगर कोई एक दोस्त जो है इस तरह से अगर फ्रीलांसिंग पे ज़्यादा कमा रहा होता है या कुछ उसके पास आ रहा होता है, यानी कि घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, हम पूछते हैं कि ये आए कहाँ से, तो जो है ना हम मतलब पूछते हैं कि आए कहाँ से, बोलते हैं कि मैंने फ्रीलांसिंग करी, तो हम एक ये मतलब सोचते हैं यार इसने कर भी हम नहीं कर सकते, तो एक जेलसी फैक्टर आ जाता है कि जो है इसने करा है तो मुझे भी करना चाहिए, तो उसके चक्कर में जो है हम शुरू कर लेते हैं। हम सबके अंदर ही यही चीज़ है, मतलब किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है, लेकिन है कि होता ये है कि किसी के पास कोई चीज़ आती है, कोई शोहरत का है, कोई किसी चीज़ का है, तो हम एक दूसरे से देख देख कर जो है हम सीखते हैं। तो ये आपने जो आइडिया दिया है कि गाड़ी ले लो, फिर लोग
ऐसा तो नहीं कि अगवा हो जाए, मतलब हर मतलब पॉसिबल नहीं है कि अगवा हो जाए। बहुत सारे लोग हैं तो इस तरह, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो अगवा हो जाए तो। ठीक है, चले और कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर? नहीं, चले भाई। देखिए सिंपल सी साइंस है, हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, दर्जनों साल अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजते हैं कि वो कुछ सीख जाए, उनका कैरियर अच्छा हो जाए, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। रोज़ाना के बेसिस पे मैसेज आते हैं हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे कर दीजिए, हमारे बच्चे अच्छे तालीम हासिल कर लें। रोज़ाना के बेसिस पे हम देखते हैं चंदे हो रहे होते हैं मदरसों के लिए, कॉलेजेस के लिए, स्कूलों के लिए, फीसों के लिए। तो हम ऐसे खड्डा लाइन मदरसे स्कूल क्यों भेज रहे हैं जहाँ पर से जाके हमारे ज़िंदगी कैरियर्स नहीं बन पा रही? हम अगर आलिम दीन भी बन रहे हैं तो वो भी बेचारे परेशान हैं, स्कूल से फारिग हो रहे हैं वो भी बेचारे परेशान हैं। तो हम ये जो बोसीदा फजूल तालीम है इसको क्यों हासिल कर रहे हैं, किस किस लिए हासिल कर रहे हैं? अब मैं इसलिए खुल के और बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि अब ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। ये खान अकेडमी आज नहीं बना है, एडेक्स आज नहीं बना है, कोर्सेरा आज नहीं बना है, यूट्यूब आज नहीं बना है, 14-15 साल हो गए हैं इन कुछ चीज़ों को बने हुए। अब उनके से तालीम हासिल करके लोग जो हैं वो बड़े आदमी भी बन चुके हैं, वो साइकिल भी पूरा हो चुका है। अभी भी हम नहीं जा रहे हैं, अभी भी हम जो है वो रोना पीटना लगा के रखे हैं। आज भी मैंने अनाउंसमेंट देखी कि जी पूरे मुल्क में एक करिकुलम होगा। भाई एक करिकुलम किस लिए बनाओगे यार? क्यों स्कूलों को खुदा के वास्ते बंद कर दो? स्कूलों का ये काम ही नहीं है, तरबियत गाय बनाए इनको आप, बच्चों को तमीज़ नहीं है, झूठ बोलते हैं, झूठे हैं हम, मक्कार हम हैं। तो तरबियत गाहें बनाने की ज़रूरत है, न कि स्कूल बनाने की ज़रूरत है। तरबियत गाहें बनाने की ज़रूरत है, अच्छा इंसान बनाने की ज़रूरत है। इल्म इंटरनेट पर मौजूद है, तरबियत गूगल से नहीं सीखी जा सकती, यूट्यूब से नहीं सीखी जा सकती, तरीक़ा सलीका करीना ये नहीं सीखा जा सकता जैसे यूट्यूब के ऊपर। आप उसके लिए तरबियत गाहें बनाने की ज़रूरत है, तो ना कि ये कि ये जो इन्होंने मेमोरी बॉक्स बना रहे हैं कि रट्टा लगा लो या याद कर लो कि तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है, ये तो काम गूगल कर देता है, क्या ज़रूरत पड़ी। तो आपके पास में से जिसको बात बुरी लगी हो उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसका मतलब है मैं आपकी बात सही तरह समझा नहीं पाया। जिसको अच्छी लगी हो उससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर कर दें, और जिसके पास कोई आइडिया हो कि हम ये ख्वाहिश इन 60 मिलियन लोगों में कैसे पैदा करें कि वो सारे करोड़पति बने, इनकी बहन, इनकी अम्मी, इनकी बीवी, मेरी बच्चे, मेरी बीवी, रोज़ाना ड्रामा देखने के बजाय, यानी कल सिनेमा में लगा हुआ था ड्रामा की आखिरी किस्त, और ये लोग कौम भरी हुई थी कि सिनेमा में जाकर देखेंगे, उसके लिए पैसे भी दे रहे थे, और ये इल्म हमारे पास फ्री में मिल रहा है कि ये जो तमाम मसाइल हैं इस कौम के पास, इनका जड़ जो है वो क्या है? जड़ बिजली का प्रॉब्लम क्या है? आप घर पे अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सोलर लगा दें, आपका बिजली का प्रॉब्लम रहेगा ख़त्म। आपके पास ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, अगर आप गाड़ी करोला अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छे जहाज अफोर्ड कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर अफोर्ड कर सकते हैं, प्रॉब्लम रहेगा ख़त्म। आपकी सोच ही इतनी माइक्रो है कि जी आप हेलीकॉप्टर के बारे में भी नहीं सोच सकते, जहाज के बारे में भी नहीं सोच सकते। साला अंग्रेजी होना ज़रूरी है उसके लिए कि जी वो वही खरीद सकता है हेलीकॉप्टर, है उसी के घर पर लैंड कर सकता है, आपका बड़ा घर नहीं हो सकता उसके लिए, आपको फ्रॉड या डाका राजा नहीं होना ज़रूरी है। और नहीं, आप सीधे रास्ते से भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, अल्लाह की ज़मीन पे बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटी हमारे फ़ोन में आ गई हैं। सवाल ये है कि हम लोगों अब लोग अपनी आदतें कैसे बदलें कि हम रेगुलर स्कूल की जगह अपने इल्म को बढ़ाएँ, और हम अपना गोल सेट करें कि जी मैंने तो अगले 4 साल में $1,00,000 महीना कमाना ही कमाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मेहनत है, कोशिश है और पहुँचेंगे। जी मेरा एक सवाल है इससे रिलेटेड, स्कूलों में बच्चों को जो भेजा जाता है उनके सामने एक सिलेबस होता है, यूनिफॉर्म होता है, उनको इम्तहान होते हैं सिमाही शिमाही और सारे, तो वालदे का रिजल्ट सामने आता है। स्किल डीजी स्किल पर चले जाइए, रिजल्ट सामने आ जाएगा। यूडी में भी चले जाइए, रिजल्ट सामने आ जाएगा। एडेक्स पे चले जाइए, रिजल्ट सामने आ जाएगा, डिग्री हाथ में आ जाएगी, सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा। यूट्यूब से कैसे हम उनको बताएंगे? ना जाए ना उस साइट पे, अगर आपको अगर आप नतीजे हैं सर्टिफिकेट के तो क्यों जा रहे हो?
आपको 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 तो ख्वाहिश सर्टिफिकेट की है, आपको तो ख्वाहिश काम की सीखने की कहीं नहीं, सीखना है यूट्यूब यूट्यूब पे चले जाओ, और डिग्री चाहिए तो यूट्यूब पे चले जाओ, एडएक्स पे चले जाओ, कोर्सेरा पे चले जाओ, स्किल शेयर पे चले जाओ, वहाँ से काम का थोड़ा भी मिल जाएगा, क्योंकि आदत का आदत के टुकड़े किए तो वहाँ से मिल जाए। बहुत अच्छा सवाल है, शुक्रिया आपका सवाल। और अगर वालदैन जिस जिनसे मैंने बात की है कि अपने बच्चों को खान अकेडमी वगैरह दिखानी चाहिए, मुझे भी बतानी चाहिए अपने घर में, तो यही है कि कहाँ से शुरू करें, बच्चों को क्या सिखाएं? khanacademy.com.org। तो जैसे स्कूलों का जो सिलसिला होता है पीजी से फिर आगे ऊपर नर्सरी चलती है, इस तरह बनाया है, एक 200 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह स्कूल जाते थे, ये सारे सहाबा ऐसे स्कूल गए थे, उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट था, क्या था, पीजी किया था उन्होंने, क्या था जैसे, ये तो 150 साल पुराना एक तरीका बनाया ना, स्कूल क्यों बनाए गए थे, स्कूल बनाए गए थे इंडस्ट्रियल एज को चलाने के लिए, इंडस्ट्री में सुबह 8 बजे घंटी बजती है, स्कूल में क्या किया गया, फैक्ट्रियों में सुबह लाइन में लोगों को खड़ा किया जाता है, असेंबली बनाई गई, चलो सारे असेंबली में खड़े हो जाओ, बताएंगे बॉस क्या करना है, क्या होगा, बॉस के सामने बात नहीं करनी है, चुप करके सुनना है, फिर उनको स्किल सिखानी थी कि उन्होंने फैक्ट्री में जाके जो है मैनेजर बनना है, ये बनना है, ये बनना है, इसी तरह 8 सब्जेक्ट बना दिए गए थे, आपने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, फिर सारे जो फैक्ट्री में से इतने लोग होते हैं एक ही कपड़े पहन के खड़े होते हैं, यूनिफॉर्म पहनना होता है स्कूल, सबको यूनिफॉर्म पहना दिया, चलो भाई सब यूनिफॉर्म पहनो, एक जैसे लगने चाहिए, इसलिए स्कूल बनाए गए थे, ये स्कूल का मकसद था, फैक्ट्री वर्कर्स क्रिएट करने के लिए स्कूलिंग सिस्टम बनाया गया था। आज जितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं उनका काम है मल्टीनेशनल के लिए बच्चे तैयार करना, खोपड़ी वाले बच्चे तैयार करना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है कि आपने जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसे जाके आप फिट हो सकते हैं, ये उनका काम है, ये उनकी जॉब है, यूनिवर्सिटी का जॉब ही यही है। अगर मैं आज यूनिवर्सिटी बनाऊंगा तो मैं इसलिए बनाऊंगा कि सुपर टेक्नोलॉजीज और DITs के लिए मैं स्टाफ कैसे तैयार करूँ, इसलिए नहीं तैयार करूँगा कि आपकी करियर अच्छा बन, सोचने समझने वाले बच्चे बन जाए, अच्छा यार आप इतने लाखों बच्चे पैदा हो गए यहाँ से, किधर है ये 20,000 तो सिर्फ IBS से निकले हैं, किधर है वो, कौन से लोग हैं जिनको आप सेलेक्ट करके MNE रख सकते हैं, MBA लगवा सकते हैं, किधर है वो, कौन चलाएगा मुल्क, या किधर हैं कहाँ वो लोग, इतने हजारों स्कूल है ना जी, हजारों यूनिवर्सिटी हैं, किधर है वो अच्छे जो मुल्क बदल रहे हैं, दुनिया बदल रहे हैं, पानी का क्राइसिस अपनी जगह रखा हुआ है, वेदर क्राइसिस अपनी जगह रखा हुआ है, किधर है, किधर है मुस्तकबिल के मेहमान, किधर है, नजर क्यों नहीं आ रही मुस्तकबिल के मेहमान, एक इमरान खान ने पूरे मुल्क में सारा मुल्क ठीक करना वाला किधर है, हमको वो तो छोड़ो कोई वजीर ही नहीं मिलता, वही सारे वजीर 20 साल से आ जाते हैं, उनको कोई वजीर ही नहीं तैयार कर सके आज तक, कौन सा स्कूल है जो वजीर तैयार करता है, कौन से स्कूल से कॉलेज से बच्चा तैयार हो गया जो जी मैं तो फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर हूँ, सुना कभी आपने, आज तक जिंदगी में 2 मिलियन फेसबुक के लोगों से 3 लोगों ने मुझे बोला मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, वो भी उसके साथ कोई हादसा पेश आया होता है इसलिए वो बन जाता है, स्कूल का काम ये नहीं है, स्कूल का काम है एक कमांड लेना, आंसर यस सर करे बगैर तो कोई बात नहीं कर सकता इस मुल्क में, टैक्सी वाला नहीं बात कर सकता, ठेले वाला नहीं बात कर सकता, हाथ जोड़ के बोलो भाई मुझे सर ना बोलो तो वो फिर भी सर की जबान से नहीं उतरता, वो तैयार किया गया है फैक्ट्री वर्कर की, अब क्या प्रॉब्लम है, फैक्ट्रियाँ खत्म हो गई, आज अगर आप गाड़ी बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे इस मुल्क में तो उसमें इंसान नहीं चाहिए, रोबोट्स बनाते, कौन सी फैक्ट्री, कोई नई फैक्ट्री बड़ी लगी नहीं सकती जिसमें इंसान चाहिए, आप जाएं यूट्यूब पे जाके देखें अलीबाबा का वेयर हाउस, अलीबाबा बहुत बड़ी कंपनी है ना, अलीबाबा का वेयर हाउस की वीडियो देखें कैसे चलता है, खुद ही रोबोट आता है सामान उठाता है स्कैन करता है डिलीवर कर देता है चले जाते हैं, इंसान कहाँ लगेगा भाई, वो फैक्ट्री वर्कर के जो कुरिकुलम था वो फैक्ट्री वर्कर की जरूरत खत्म हो चुकी है, लेकिन हम वही फैक्ट्री वर्कर तैयार कर रहे हैं, फैक्ट्रियां हैं नहीं इसलिए उसको नौकरी नहीं मिल रही, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बच्चा तालीम गलत हासिल कर रहा है, ख़राब हासिल कर रहा है, बेवकूफ़ बच्चा है, ऐसा नहीं, बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन कुरिकुलम 40 साल पुराना हो गया है, फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई हैं, फैक्ट्री वर्कर तैयार हो रहा है, फैक्ट्री वर्कर किधर फिट करें हम,
उसका करें क्या? मैंने 10वीं तक कोई निसार पढ़ाया गया अपना कारोबार कैसे स्टार्ट करते हैं तो किस लिए नहीं पढ़ाते? जरूरत नहीं थी इंसान की, जरूरत नहीं थी क्या? ये जरूरत नहीं का काम नहीं है कि पता हो कि भाई काम कैसे शुरू करते हैं, भाई पैसे कैसे रेस करते हैं, काम किस तरह से करते हैं, पार्टनर कैसे बनाते हैं, बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, दिल का हाल कैसे सुनाते हैं, ये सब ये सिखाने की जरूरत नहीं थी मैट्रिक तक? 10 साल जिंदगी के बच्चे की गुजारे साले को यही नहीं पता बेटा कि बात कैसे करते हैं? इसलिए तालीम बनाई गई 125 साल पुरानी मदद कर 140 साल हो गए। पूरी दुनिया का मसला हो चुका है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तैयार किया गया था और ये आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म होगा। इस तरह की कॉन्वर्सेशन आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होंगी, आम होंगी। जैसे मैंने कहा 23 साल में हम जो हैं 5 मिलियन फ्रीलांसर पहुंच गए ना, मैं 60 पे जाने की बात कर रहा हूँ, 5 में नहीं होता तो 50,000 की बात कर रहा होता या 50 की बात कर रहा हूँ। पहुंचे तो सही, सफर तो जारी है लेकिन स्लो है, लेथार्जिक है, उसको कैसे तेज करें यही ये कॉन्वर्सेशन है आज सबके लिए, नहीं इसलिए 5 आदमी बैठे सुन रहे होंगे। जी दोस्तों, तो आप सुन रहे थे जनाब मुहतरम रियाज़ वाला साहब गुफ्तगु कर रहे थे और क्रिएट करेगा जो उसको प्यार करें कि आप YouTube से किस तरह कमा सकते हैं, कैसे अपने अंदर स्किल्स ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, स्कूल का जो हमारे यहाँ जो जो निसाब है वो क्या पैदा कर रहा है। आज का टॉपिक सिर्फ एक था कि हम कैसे इंस्पायर करें उन 60 मिलियन लोगों को जो YouTube चलाते हैं कि वो सब के सब करोड़पति बन जाएं, ज्यादा कमाने वाले बन जाएं। करोड़ से कम तो सोचना ही नहीं है भाई। देखो इस वक्त अगर आप सैन फ्रांसिस्को में रहते होते तो आपको जिंदा रहने के लिए अपार्टमेंट किराए पर लेकर जिंदा रहने के लिए $150,000 साल के कमाना लाजिम थे। वहाँ पर भूत रहते हैं क्या? इंसान रहते हैं ना, कमाते ही हैं ना, क्या करते हैं? क्या सब घर पिस्तौल लेके खड़े होते हैं टुट कर रहे होते हैं? क्या कुछ तो करते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई ऐसा जो हम नहीं कर सकते? उनका किराया महीने का $8,000 घर का किराया देते हैं, जिंदा ही नहीं रह सकते ऐसे कम कमाए। यहाँ पे जिस तरह अगर पाकिस्तान कराची में कोई कैदी में 5,000 महीना कमाता हूँ आप जगह देंगे तो जिंदा कैसे रहता है यार, वैसे भी ठीक कहेंगे ना, लेकिन आप गांव चले जाएं किसी तो 5,000 कमाता है वो जिंदा रहता है उसको है। तो गांव वाला अगर कराची वाली काम करना शुरू कर दे तो गाँव में अगर 20,000 रुपये कमाने लगेगा तो वो गाँव का शहंशाह बन जाएगा। एग्री? तो अगर पाकिस्तान में बैठ के आप 1 करोड़ रुपए साल का कमा लेंगे तो आप यहाँ पे शहंशाह बन जाएंगे या नहीं? बिल्कुल सही काम वही करना है जो वो सारा सैन फ्रांसिस्को में कर रहा बैठा हूँ। सैन फ्रांसिस्को में मेरे गाड़ी में से तोड़ के कंप्यूटर निकाल के ले गया ना भीख मंगा। 10,000 लोग होमलेस फिरते हैं सैन फ्रांसिस्को में, दरवाजा खोलो तो बाहर इंसान लड़के तो धक्का दे के बाहर निकालना पड़ता है, इतने होमलेस रहते हैं क्योंकि गाड़ी भी किराए पर अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ भी प्रॉब्लम है, रोना आ जाता है देख के कि क्या हो रहा है, ये इंसान रहते हैं यहाँ पे, इस तरह इंसानों कुत्तों के साथ रहता सुलूक होता है, इंसानों से तकरार सुलूक होता है उसे। तो हमने सीखना है कि हमने किस तरीके से अपनी आमदनी कुछ तो करते हैं ना यार, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं वो कुछ तो करते हैं ना, गूगल सारा पैसे कमाता ही ना किसी तरीके से। सवाल सिर्फ ये है कि वो क्या करते हैं, आप भी वो कर लें, आप वो क्यों नहीं कर रहे? मेरा तो इतना सवाल है कि एक आदमी आपके जितना उसके पास 24 घंटे हैं, आपके जितना भेजा है, आपके जितने हाथ हैं, आपकी जितनी जबान, सब कुछ आप जैसा खाना पीना सब कुछ है, बल्कि आप मेरा शायद कम ही होगा उसके पास टाइम, वो $1,00,000 कमा सकता है, आप क्यों नहीं कमा सकते? वो भी कंप्यूटर बैठा हुआ, आप भी कंप्यूटर बैठे हैं, गेम भी चेंज बराबर हो गया ना, वो भी कंप्यूटर बैठा हुआ है, आप भी कंप्यूटर बैठे हैं, आप भी इंटरनेट बैठे हैं, वो भी इंटरनेट बैठा हुआ है, आपका इंटरनेट भी तेज है, आपसे उसका भी इंटरनेट। मैं अमेरिका जब गया था पहली दफ़ा काम करने तो इस नियत से गया था कि इंटरनेट तेज होगा, 6 महीने तक मैं कुछ कमरे से बाहर नहीं निकलता था, इंटरनेट तेज था, बस 1 मेगाबिट उसकी स्पीड थी, उसके मैं $300 महीने देता था, 2000 की बात ये 2001 की बात, पाकिस्तान में उसके $70,000 महीना था।
आज इंटरनेट पाकिस्तान में सस्ता है, अमेरिका में सस्ता है, बराबर हो गया। अब क्या मुसीबत है? अब क्यों नहीं, बुद्धू हैं हम लोग, कदे हैं क्या, प्रॉब्लम क्या है हमें? हम थोड़े बॉकस तो हूँ, तो बड़ा टैलेंटेड, वो टैलेंट किधर है? क्यों गरीब हैं? आंखें बंद हैं हमारी, खुली भी तो हैं, अंदर से बंद है, देखना नहीं चाह रहे। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल जो डेटा हमें दिया गया है, ये इस तरह की कोई वीडियो किसी ने कभी देखी होगी जब हम कर नहीं देखी ना, इसलिए हम इसको बात ही नहीं करते। हम किस पर बात कर रहे होते नॉर्मली? कोरोना वायरस और मतलब इमरान खान की दुल्हन का क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट बच्चे को परेशान है, फलाना क्यों है, अभी उससे आपका क्या लेना देना है भाई? आपके चाय खाने में लिखा होना चाहिए ये करोड़पतियों के लिए है सिर्फ। फिर भाई दूसरा तरीका क्या होता है कि महंगाई कर दी जाती है, इतना महंगा कर दो कि उसको मजबूर हो जाए ज्यादा करने, ये दूसरा मजबूरी का तरीका। मजाक नहीं करना, ये चाइना में ये हुआ है। चाइना में सिटीज बनाती हैं जो बहुत महंगी हैं, वहाँ पे आप 12 करोड़ पैसे अपार्टमेंट नहीं ले सकते। अगर आपकी आमदनी फलाना से कम है आप अपने आपको आपको वहाँ रहने की इजाज़त ही नहीं मिलती। दुबई में आप अगर 5,000 दिरहम से कम कमाते तो आपकी बीवी आपके साथ नहीं रह सकती, इजाज़त ही नहीं रहती, गवर्नमेंट वीजा नहीं देती। बेटर क्या कह रहा है वो, 5,000 से ज़्यादा कमाओ बीवी को, मेहनत करो, बुला लो बीवी को, मजबूर कर दिया। जैसे अभी आप किसी को 100 रुपये दे रहे थे, मैंने आपसे क्या कहा, आप मजबूर कर दें उसको, मजबूरी में ना मजबूरी का फायदा उठाएं, सो कुछ सिखा दें, गलत फायदा नहीं उठाएं मजबूरी का, मजबूरी का अच्छा फायदा उठाएं। हम लोग पेट भरे हुए हैं, हमारे सबके ना तोड़ने निकले हुए बेटू, फकीर भी आता है तो माला मोटा ताजा वाला होता है। ये प्रॉब्लम कि हम लोग छोटी जगह पे रहते हैं, घर में 4 आदमी कमाने वाले हो जाते हैं, बीवी काम नहीं करती, आराम से ऐश चल रहा होता है वहाँ पे काम में। अगर अमेरिका में सिलिकन वैली में दोनों मियाँ बीवी तो वो जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप $10 घंटे का कमा रहे हो तो महीने का कमाएंगे $3,000, किराया भी पूरा नहीं होगा। सो चैलेंज क्या है, चैलेंज क्या है कि हम आप खुद ही आइडेंटिफाई किया, यकीन नहीं है, अब्बा को यकीन नहीं है, अम्मा को यकीन नहीं है, उनको यकीन करवा दो किसी तरह से, कैसे यकीन आएगा उनको? ले जाओ वली को, हेल्थ वली के बारे मोहल्ले में रखते हैं, उसके पास मिलाने ले जाओ, उसका घर दिखा दो। पहले स्मार्टफोन तो आए तुम्हारे पास तो है, तुम्हारी बीवी के पास होना चाहिए, तुम्हें दे सकते हो, तुम नहीं दे रहे हो, तुम अपने लिए ले रहे हो। तुमने मोटरसाइकिल बेच ली, मैं आईफोन लूँगा, सीरो बनूंगा मैं तो तुम्हें। हमको हमारे हम जो एक दफ़ा हमारे जो बिशप साहब ने, बिशप सादिक साहब ने, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने मुझे वीडियो रिकॉर्ड कराई थी 15 साल पहले, जब 10-12 साल हो गए, ज्वेलरी बेच दो, साहब ने कहा था सोना बेच दो पिस्तौल ले लो, सोना बेच दो पिस्तौल ले लो, उन्होंने कहा सोना बेच दो लैपटॉप ले लो, इंटरनेट लगवा लो, सोना किसी काम का नहीं है, लैपटॉप तुम्हारे काम आएगा, तुम्हें सोना बनाना सिखाएगा। घर पे हम क्या करें, सोना ले लो, बारी ले लो, जेब में काम आएगा, बनाना आएगा। खाने में देखो शादी के, वाह वाह वाह, पूरे मुल्क में स्कूल हो ना हो, यूनिवर्सिटी हो ना हो, शादी हो लेता, वाह बेहतरीन शादी हो, नाक ही कट जाएगी सर अगर बेटी को जो है वो बड़ी शादी में। सर तुम तो डिसएग्रीमेंट वाले लोग बैठे हो, काश के यहाँ तो कोई लड़ा कर तैयार होते तो मैं उनसे लड़ता। अभी आ रहा है, इसको बताया मैंने, फतेह को लड़ेगा आगे, फतेह अब्दुल फतेह सुन लो, अब 3 मिनट लगेगा आपका। चलिए शुक्रिया आपका सुनने के लिए। हमारे दिल का हाल, हमारा दिल तड़पता है कि हम करोड़पति बनवा ना सके, खाम खाए में गरीब बैठे हैं, पता नहीं किस लिए, पता नहीं कुछ उल्टे से इस तरह के जुमले निकलेंगे। आप सबका शुक्रिया, आप भी इस तरह अपने दोस्तों को बिठाइए, कैमरा ऑन कीजिए, सवाल कीजिए कि आप करोड़पति क्यों नहीं बनते मेरे भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों फकीर रहना चाहते हो, क्यों भिख मांगे रहना चाहते हो वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने,
किस लिए दो दो घंटे चार चार घंटे पॉलिटिक्स देखते हो, उससे तुम्हारा कौन सा पेट भरता है, कौन सा मुल्क अमीर होता है, तुम्हारी कौन सी चीज़ ठीक होती है। कुछ कर जाओ, कुछ कर लो, कुछ सीख लो, फिर बन जाओ, कुछ कमा लो, घर वाली बना लो, प्लॉटी बना लो, कुछ तो बनाओ यार, दूसरों को खराब ना बनाओ बस, बाकी सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।